नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और बादल बरस रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक माहौल गर्म है। जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा में कड़ाके की ठंड और बरसते बादल के बीच आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सलीम चौधरी लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दरअसल सलीम चौधरी को आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, जहां भाजपा ने उमेश मलिक तो गठबंधन ने राज्यपाल बालियान को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बुढ़ाना विधानसभा सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आते हैं। तो ऐसे में किसान यूनियन को लेकर भी सीट पर राजनीतिक आकाओं की पैनी नजर है। अब देखना होगा इस तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। बदायूं में एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक हत्या का खुलासा किया। दरअसल सरसों के खेत में 22 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिला था। खेत में अज्ञात शव होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने शव की शिनाख्त की, जिसका नाम मनवीर पुत्र अर्शिफ लाल निवासी औरछी के रूप में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उधारी की रकम को लेकर झोलाछाप डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। संभल जिले का युवक बताया जा रहा है हत्यारा। गिरफ्तार भाभी के इलाज के बहाने साथ ले जाकर गला दबाकर हत्या की और बाइक लूट ली, मोबाइल फोन भी लूट लिया। फैजगंज पेठा थाना क्षेत्र में 21 जनवरी को ये पूरी वारदात हुई थी, जिसका खुलासा किया गया है। जनपद बदायूं के फैजगंज पेठा थाना अंतर्गत बझेरा में एक सरसों के खेत में एक मनवीर पुत्र शर्फी लाल की डेड बॉडी मिली थी। इस डेड बॉडी के मिलने के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लोगों से वार्ता की गई, तो शिनाख्त हुई कि ये उर्छी के पास के रहने वाले, जिनकी दुकान वहां पे खेड़ा दास में थी, उस दुकान पर ये प्रातः 10 बजे एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से गए थे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता योगेश सोमवंशी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन भेजकर समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग की। कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए समाजवादी फॉर्म भरवाना आरपी एक्ट की धारा 123 के तहत है। करप्ट प्रैक्टिस, जिस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रोक लगा रखी है। मांग की है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस करप्ट प्रैक्टिस को तत्काल रोके, अन्यथा पार्टी की मान्यता की जाए खत्म। ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रत्यावेदन भेजा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। दरअसल आज यूपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी और लिखा कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि है यूपी। यूपी स्थापना दिवस की अत्यंत शुभकामनाएं। प्रदेश ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में ये ट्वीट करके अमित शाह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है स्थापना दिवस की। तो 73 साल का उत्तर प्रदेश हो चुका है। ऐसे में बधाइयों का तांता भी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने भी ट्वीट करके यूपी वासियों को बधाई दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला किया। कहा कि भ्रम, भ्रष्टाचार और जाल माल मजहब में असुरक्षा, अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों में कुंठा पैदा कर रही है ये समाज और प्रदेश पिछड़ रहा है, यह अति दुखद है। वहीं दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यूपी में बीएसपी की सरकार रही है लगभग 2.5 साल, गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं युक्त आवास उपलब्ध कराए गए और करीब 15 से 20 लाख मकानों की तैयारी चल रही थी, किंतु सरकार बदलने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया, जिस पर भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने क्या किया है, ऐसा सवाल मायावती करती हुई नजर आई हैं।
आपको बता दें कि लगातार बसपा सुप्रीमो ट्विटर के माध्यम से बीजेपी पर हमलावर रहती हैं। संभल में समाजवादी पार्टी नेता सतीश प्रेमी ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा को अयाशी और पैसों की पुजारी की पार्टी कहा और रोते हुए वीडियो शेयर किया है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे सतीश प्रेमी का दर्द छलक उठा। सपा ने विधानसभा का टिकट नहीं मिलने पर उनके आंसू निकल गए और फूट फूट कर वो रोने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का टिकट सतीश प्रेमी मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी में कई तरह के बयान लगाए, कहते हुए नजर आए हैं, आरोप लगा रहे हैं और ये बयान तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। तो रोते हुए वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है वो पूरी तरह से सरासर गलत कर रही है। अपने ही कार्यकर्ताओं से यहाँ पर उनकी अनदेखी की जाती है। दरअसल उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उनका गुस्सा जो है वो आंसुओं के माध्यम से निकलता हुआ नजर आया। और अब खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए वो कहते हुए नजर आए कि प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है, यहाँ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग बसते हैं, सभी आपसे सौहार्द का वातावरण है। अखिलेश यादव के 5 साल का कार्यकाल और भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल का तुलना कर लीजिए और सभी तरह के लोग प्रताड़ित हुए हैं। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली है, जो मांगने गया अपनी मांग को कर्मचारी लाठी खाते में नजर आए। किसान को कर से मुक्ति नहीं मिली है, किसान बदहाल हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए घबरा कर तरह तरह के भाजपा के लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बयान अब तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है, यहाँ सभी जाति धर्म वर्ग के लोग बसते हैं और सभी में आपसी सौहार्द का वातावरण है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोग अखिलेश यादव के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल और भाजपा सरकार के इस वर्तमान 5 वर्ष के कार्यकाल का जब लोगों ने तुलना किया है और जो सभी तरह के लोग प्रताड़ित हुए हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, जो मांगने गया अपनी मांग कर्मचारी वो लाठी खाया, किसान का पूर्ण कर्ज मुक्ति नहीं हुई, किसान बदहाल हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इसलिए घबरा करके तरह तरह की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। फरुखाबाद में जिला प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई, जहां आदर्श आचार संहिता 2 हफ्ते से लगे होने के बावजूद भी राजनीतिक बैनर नहीं हटवाए गए हैं। सरकारी साइन बोर्ड पर राजनीतिक बैनर प्रशासन की आंखें बंद नजर आ रही हैं। प्रशासन के आदर्श आचार संहिता पालन कराने के लिए दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। थाना कमालगंज क्षेत्र में फरुखाबाद कानपुर मार्ग पर शेखपुर गुमटी के पास तहसील अमृतपुर परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी भी जो राजनीतिक बैनर हैं, जो पोस्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं और प्रशासन की नज़र जो है इन पर नहीं जा रही है। फिरोजाबाद में यूपी नेट परीक्षा में सोलर गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 6 लोग अब भी पुलिस की तरफ से फरार बताए जा रहे हैं। शिकोहाबाद के 3 स्कूलों में दूसरे की जगह ये परीक्षा देने आए थे और 30,000 रुपये एक परीक्षा के लिए सॉल्वर लेते हैं। शिकोहाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम के सहयोग से सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया है, लेकिन अब भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर।
इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांत आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माई नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाइड पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर फॉर केन एंड शुगर डिपार्टमेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड विशेज टू अमित सर एंड अर्चना मैम फॉर द venture Vedanta and I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. To phir der kis baat ki, aaj hi lijiye admission aur kijiye apna IAS PCS ka sapna saakar. Vedanta, an exclusive IAS institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate, the record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी संतोष यादव संयुक्त पूर्वांचल दौरे पर हैं। सपा एमएलसी संतोष यादव समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं। सपा एमएलसी संतोष यादव सनी ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने सपा एमएलसी संतोष यादव सनी को तलवार भेंट कर फूलमालाओं से स्वागत किया है। सपा एमएलसी संतोष यादव सनी ने न्यूज़ पर इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सर्व समाज का हित समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। अब की बार विधानसभा चुनाव में जनता अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। सपा एमएलसी संतोष यादव सनी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, सुनिए क्या कहना है संतोष यादव का। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और समाजवादी पार्टी के एमएलसी संतोष यादव सनी जी जो पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, वो अपने दौरे पर निकल चुके हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वोट सहेजने के मकसद से पूर्वांचल दौरे पे हैं। उन्हीं से जानते हैं आखिर समाजवादी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी और किस तरह से किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। क्या मानते हैं कि कौन से मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में पूर्वांचल में चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से हमारा किसान जो इस सरकार में ठगा महसूस कर रहा है, किसान की दो आय जो इसकी आय है दुगनी तो नहीं कराई सरकार ने, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा, उसकी जो
फसल है, फसल की लागत भी नहीं मिल रही, समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा, लेकिन किसान की फसल को आज साढ़ आवारा पशु खा रहे हैं। रात भर किसान दिन में भी जाग रहा है, रात में भी जाग रहा है इन आवारा पशुओं से। सबसे पहले हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इन समस्या का हल 10 मार्च को सबसे पहले साड़ों को यहाँ से भगाया जाएगा। जंगलों में जाएं या गौशाला, कोई गौशाला में 30 रुपए में कोई साड़ या गाय कोई खाना खा सकता है? 30 रुपए जो सरकार एक गाय एक आवारा पशु पे खर्च कर रही है, अब आप सोच लो 30 रुपए में जब आदमी का पेट नहीं भर सकता, 8-10 गुना तो उस गाय या साड़ का पेट होता ही है। ये मजाक कर रहे हैं ये बाबा लोग, इसलिए इनको जनता, किसान और जो साड़ से फसलें चौपट हो रही है, किसान बेचारा भुखमरी कगार पे पहुंच गया है। आने वाले 10 मार्च को ये सरकार को किसान नौजवान सब भगा के ही मानेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पास क्या विकल्प होगा, कि क्या रणनीति होगी कि बीजेपी को शिकस्त दे सके? बाबा जी, इस समय अब गोरखपुर शहर में फंस गए हैं। जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होने जा रहा है, कहीं ना कहीं हर पार्टी के आदमी का जो भावनाएं उस कैंडिडेट से जुड़ी होंगी। ऐसा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है। अब बाबा जी असलियत में पहली बार अब फंसने जा रहे हैं गोरखपुर शहर में, अपने विधानसभा में फंसेंगे, वो हारेंगे और हराने वाला भी उन्हीं का अपना होगा जिनको इन्होंने सताया। वो परिवार दुखी रहा, हर दिन हर पल वो परिवार रोता रहा, वो जनता उस परिवार का साथ देगी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगी। तो क्या जात पात का मुद्दा भी गोरखपुर के चुनाव में नजर आएगा? कल का मैं अखबार देख रहा था, हिंदुस्तान पेपर, एक तरफ जो अमित शाह जी कैराना गए, पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन ये हुआ, झूठी बातें धर्म पे। दूसरी तरफ योगी जी की फोटो देखी, उसमें लिखा गुंडा राज खत्म हो गया। सबसे ज्यादा गुंडाई अगर हो रही है, हत्या हो रही, तो गोरखपुर में हो रही है। मुख्यमंत्री जी का जिला, हम लोग का जिला, मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं इसी जिले में हो रही हैं जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं। एक व्यापारी गुप्ता आ रहा है कानपुर से, इन्हीं की पुलिस पैसा नहीं दे रहा, वसूली करने पहुंच गए तो मार देते हैं। अभी 4 दिन पहले किस तरह कचहरी में, जहां हथियारों को अंदर नहीं, किस तरह हत्याएं हो रही। मैं नहीं कहता हत्या में कौन सही है कौन गलत, लेकिन शासन प्रशासन में और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हत्याएं, व्यापारी की हत्या है, सब डेली हत्या, हर चौथे दिन हत्या, लड़कियों को उठा के बलात्कार हो रहे हैं। आप पेपर पढ़ लो, दी ऐसी कानून व्यवस्था दी और कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक कर दी। अमित शाह जी का उसी में फोटो लगा है कि पलायन रोक दिया, धर्म की बात कर रहे हैं। उसी तरफ तीसरे कॉलम में माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर थी, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। जो ये पेपर पढ़ रहा होगा समझदार आदमी, जनता भी समझदार है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, माँ बाप का जो सहारा है उस बच्चे को हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं, केवल ये लोग धर्म और जात में बाबा और बड़े वाले जो हैं दिल्ली वाले, जनता सब समझ गई इनको 2022 में 10 मार्च को ये लोग जाने वाले हैं। खदेड़ा होना है और कृष्णा कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे हो गया है। क्या मानते हैं, एक मिनट, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है और क्या उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अभी आया नहीं, आएगा और जनता के लिए लाभकारी, नौजवानों के लिए रोजगार वाला, किसानों की आय बढ़े, किसानों का लागत मिले, किसानों का जो फसल ये आवारा पशु ना खाएं, इनके लिए भी जो कार्रवाई करनी है, चाहे इनको जंगलों में भेजें हम लोग, लेकिन किसान के खेत में आवारा पशु को नहीं घुसने देंगे। आवारा पशु के लिए चाहे हम लोग को वहाँ से अलग से व्यवस्था करना पड़े, उनके लिए अलग से कहीं ना कहीं व्यवस्था करें, लेकिन हम किसानों की खेत आवारा पशु, हमारा किसान भूखा है, इसलिए हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें देखिएगा। कुछ बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कर दी, हर आदमी हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की सिंचाई पूरी फ्री। अब आप सोच लो इससे बड़ा क्या हो सकता है, छोटा क्लास है, मिडिल क्लास है, 200-300 यूनिट आ रहा है, 2-3 हज़ार का बिल आता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार जैसे बनेगी तुरंत माफ।
किसान बेचारा आय नहीं बढ़ रही, सिंचाई में डीजल बिजली उसको पूरा माफ करेगी समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो समाजवादी पेंशन को 1,500 रुपये महीना करेंगे, 1,500। हम लोग 500 रुपये महीना देते थे, साल में 6,000। और मोदी जी योगी जी कहने लगे हम तो 2,000 देते हैं 4 महीने पे, वो भी साल का 6,000। कौन सा तुमने बढ़ा दिया? अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी कि हम 18,000 रुपये साल देंगे। तो ये समाजवादी पार्टी की पुरानी पेंशन की बहाली की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई हम सब समाजवादी देते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं जनता बहुत खुश है। जब कोई रिटायर हो जाता है उसके बाद अगले महीने से उसके पास पैसा नहीं रहता, रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है कहीं मकान बना लेता, कहीं बिटिया की शादी कर देता, कहीं बेटे को बिजनेस करा देता, लेकिन वो बुजुर्ग अगले महीने फिर इंतजार करता कहाँ से पैसा है। ऐसे में माननीय अखिलेश यादव एक बेटे की तरह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक बेटे की तरह खड़े हुए कि हर महीने में 1 तारीख में रिटायरमेंट की पेंशन उस घर में आ जाएगी, बहाल हो जाएगी। सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। लेकिन बाबा जी तो कह रहे हैं घंटा बजाओ, घंटी बजाओ, यही है अब जनता को फैसला लेना। कितनी सीटें मिलेंगी आपकी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 3 में ये लोग अपना लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का परसों का वीडियो आप ही लोग ने दिखाया, पेपर हमने पढ़ा। अपनी विधानसभा में गए स्टूल वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जनता ने कैसे खदेड़ा, क्या क्या नहीं बोला, वो वीडियो में आप लोग देख रहे हो। तो ये 3 जो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर, ये 3 बांट लें, 3 में ही लड़ लें आपस में, 4 तो सब समाजवादी जनता के बल पे ले जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संतोष यादव सनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी के वादों से जनता छली है और जो अखिलेश यादव के जो दावे हैं वादे हैं उन पर जनता एतबार कर रही है, और आने वाली सरकार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन अशोक कुमार और मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गोरख। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय गेट नंबर 1 के सामने एक युवक ने हाथ काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उसने मुंह में ब्लेड रखा हुआ था। मौके पर मौजूदा पुलिस ने युवक को पकड़कर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी महानगर से युवक रहने वाला बताया जा रहा है। घर के सामने गड्ढा खोदे जाने से आहत होकर वो बीजेपी कार्यालय पहुंचा और वहां जाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।